मैं नैनी बरक यारीखमा रहता हूँ। ये रात के 2 बजे लैंडस्लाइड हुई तो इन्होंने फ़ोन किया जल्दी, तो हम पहुँच गए। वॉलंटियरली हमारे वॉलंटियरली जो लड़के यहाँ पे आए उन्होंने बहुत मशक्क़त के साथ मेहनत के साथ इनको घरों से निकाला। काज क्या था कि इसमें ऊपर 2-3 लाइनें PHE की चल रही हैं जिनमें लीकेज था, कोई 5-6 महीनों से उनमें लीकेज था। तो आज वही लीकेज ने हमारे ये काम कर दिया कि लैंड स्लाइड हो गए। इसमें हमारे 3 दुकानें चले गई, 2 मकान चले गए, 1 मकान अभी भी डैमेज में आ रहा है। तो हमारी इंतज़ामिया से पुरजोर गुजारिश है, एक ये जो पाइपलाइन है इसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, और जो ये मकानात है या दुकानदार बेचारे हैं इनको भरपूर मुआवजा अदा किया जाए। ना मे गवर्नमेंट दुम शर गो आज सोरे जमीन बुझ मैं क्या कर मे रूद न रात के दौरान ये जो लैंडस्लाइड है यहाँ पे नंदी मर्ग यारिखा मेन रोड पे, तो यहाँ पे मशीनरी ऑलरेडी पहुँच चुकी है। और उसके बाद हमने जब एसेस किया है तो 3 जो शॉप्स है और 2 जो रहायशी घर है उनको डैमेज हो गया है, वो इसकी जद में आ चुके हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, उसमें हम बड़े फॉर्चुनेट हैं। तो हम पूरा असेसमेंट कर रहे हैं, हमने लोगों को बताया है कि इनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ बिल्कुल इनके शाना बशाना है। और प्रॉपर जहाँ भी इनको हमारी मदद चाहिए, हम रेड क्रॉस से या SDRF की नॉर्म्स में इनके अभी जो इमीडिएट रिलीफ है इनको अभी पहुँचा देंगे इन द फॉर्म ऑफ फूड किट्स एंड ब्लैंकेट्स। और इनका जो रिहेबिलिटेशन का है वो हम देख रहे हैं, ताकि क्योंकि ये जो 2 स्ट्रक्चर्स है ये अभी सेफ़ नहीं है रिहाइश के लिए। तो बाकी लोगों से मेरा सिंपल मैसेज यही रहेगा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये इवेंचुअलिटीज़ होती रहती है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, बाकी हम इनके साथ हैं, इनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सारा अमला यहीं पे है।